दोस्तों, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्ती सी की दो कथाएं। एक कथा नवी पुतली द्वारा और दूसरी कथा दसवीं पुतली द्वारा सुनाई गई है। तो आइए सुनते हैं नवी पुतली मधुमालती द्वारा सुनाई गई ये नौवीं कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रायोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर के बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते, अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे, तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो वे उनकी तलाश में वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वे तुरंत तैयार हो गए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले, मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूं और क्षत्रिय भी हूं, राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक राक्षस बोला कि वो उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है कि नहीं। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ जानते हैं और उसके बाद ही यहाँ आए हैं, और उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाह में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाने आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां माँ काली की प्रतिमा थी और बलि देवी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि देवी पर अपना सर बलि के लिए झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार समझकर भगवान का स्मरण किया और वो राक्षस खड़ग लेकर उनका सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गए। अचानक उस राक्षस ने खड़ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वो जगह एकाएक अद्भुत रोशनी और खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र और पवन देवता खड़े हैं। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का ही त्याग कर सकता है या फिर प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और कहा
कि उनकी कीर्ति चारों ओर फैले। तो दोस्तों, ये तो थी आज की 9वीं कहानी। अब सुनते हैं आज की 10वीं कहानी। ये 10वीं कथा 10वीं पुतली प्रभावती के द्वारा सुनाई गई थी। ये कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा है और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था। उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला और उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता भी है। उन्होंने बताया कि ये आत्महत्या करना एक बड़ा अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रौबीली आवाज और वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वो एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं और वो विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने कहा कि वो कलिंग का रहने वाला है और उसका नाम बसु है। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वो उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वो किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही बताया। दरअसल वो एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्मते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खौलते तेल की कड़ाहे में कूदकर जिंदा निकल कर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर बसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास स्थान था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वो निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अब प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा न बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वो उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और ये पाप अपने सामने वो नहीं होते देख सकता। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हो गए और कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वो बस कहने की ही कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल वहां रखा गया था। कई नौकर चाकर भी थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थीं। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने बसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वो राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। तो किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है ये नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए, वो अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात मायने नहीं रखती। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वो राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है।
वो राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए, चाहे वो अपने लिए या फिर किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग रहा हो। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए, वो अपने लिए हाथ मांगे या किसी अन्य के लिए ये बात मायने नहीं रखती। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के हेतु कड़ा में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुल गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वो सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर युवकों ने खौलते कड़ा में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ा भर तेल की व्यवस्था कराई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गया। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्याह हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंद उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। तो दोस्तों, ये थी वीर विक्रमादित्य के वीरता की अभूतपूर्व कथा। कहानी आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।